अच्छा बीच में आप काहे आ गए प्रकाश जी, हम तो ऐसे मजाक कर रहे थे क्योंकि अगर थोड़ा हंसेंगे नहीं तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, हम ये बच्चे नहीं बोलते हैं ना, हम हूं भगाए के शादी कर रही हूं। ओ ये है खातिर ये तो सब। चलिए बोलिए सच्ची दरबारी की, उठाइए तो हाथ एक बार प्रेम से और कहना कैसे कि मेरे झोपड़ी के बाहर फूट जाएंगे जी।
जब भजन में इतनी तालियां बजने लगती है और बाबा भी सोचते कि बड़े भक्त हैं यहाँ पे और सच में बोलिए सच्चे दरबार की अभी बारी आई है। आप टेंशन मत लीजिए दीदी, है ना, अभी बारी आई है, एक एक करके उठा उठा के कुछ पढ़ते हैं। देखिए कर कर अरे पापा भगवान की नहीं, तोबा, बोलिए शंकर भगवान की। अब देखिए उठाइए दोनों हाथ एक बार प्रेम से और कहना कैसे, हाँ अगर आप लगा लीजिए माथे पे जो दारू पीता ना सुबह अगर तिलक लगा देगा तो वो लोग बोलेगा बेटा पंडित भय गया। तो हिंदुत्व के तिलक में वो ताकत है, तिलक केवल आप लगा लेते तो बेईमान हो चाहे कुछ हो पंडित कहलाते हैं। क्या बात है, और वो माँ के माथे पे तिलक लगा है बहुत सुंदरता बढ़ा देता है। हम कहां से आए हैं, हम धनबाद से। अरे धीरे धीरे बोलिए सब सुन लेगा। तो चलिए बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए वृंदावन हरिवाल की और कहना कैसे, कौन कौन करके रखिएगा विनोद भाई और कहना कैसे कि दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से गिर जाओ पत्नी का जो पति की
जेब देखती है कि आज मेरे पति ने क्या कमा के लाया है। क्यों? क्योंकि अगर दो महीने खुराक ही नहीं मिले तो गड़बड़ हो जाता। लेकिन एक माँ अगर जिंदगी में कभी भी एक बेटा अगर जिंदगी भर नहीं कमाएगा तो वो माँ कभी नहीं कहेगी कि बेटा तूने आज कमा कर क्या। इसीलिए कहते हैं एक रिश्ता माँ का जो अपने बेटे की पेट देते हैं, कि नहीं? वो सबसे पहले बोलेंगे बेटा तूने क्या खाया। और ये कभी नहीं बोलेंगे कि बेटा तुम दो रोटी कम खाओ, क्योंकि वो माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरा बेटा कमजोर रहे। मेरा बेटा दुनिया में सबसे ताकतवर और सबसे सुंदर होगा। तो बोलिए अपने अपने माता पिता की, और कहना है